सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं इस टाइम पिल्लू खेड़ा रहा हूँ और यहाँ पे एक भाई है उसके पास आया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे दूसरी गली में जब देखा तो बहुत सारे आदमी बहुत सारी लेडीज यहाँ पर खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं तो मैं आ गया पूछन। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड दिखाता हूँ। ये मेरा भाई नरेश जो मेरे साथ अक्सर रहा है। देखो एक बार ये मकान देख लो आप भाई। ये मकान रात की बात है जल गया या जलाया गया इस विषय का मेरे को पता नहीं। हम तो यही कह सकते हैं भाई जल गया। अपना भाई है भाई नरेश, ये मेरे साथ रह करे, इनका पड़ोस था यो। तो यहाँ पे आया तो भाई वो मकान जमा खंडर होया पाया। जो इस मकान में रहनी है वे बाहर जा रहे थे, कहीं प्रोग्राम था पीड़िया देन का, बेबे के वो बालक आया था तो पीड़िया देन जा रहे थे। अब इनके छोटे छोटे बालक हैं, वे भी यहीं पे हैं। मेन बात के है घर तो जल गया। कंगाली में आटा गिला एक कहावत है। ये भाई साहब ऑटो चलाया करा, ऑटो इनका एक छोटा सा डीजे का भी काम है, मतलब दो एक स्पीकर धर रहे हैं। वे भी खत्म हो गए, अंदर पड़े हैं, खत्म हो गए वे भी। रात ने यो मकान जला, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, कोई मैं प्रशासन पर दोष नहीं लगा रहा भाई इस बात का। एक जींस से आई, एक सफ़ेद दोस्त आई, उन्होंने सारा सिस्टम भी संभाला, सिलेंडर रखे थे फट जाते तो वो भी एक जो उनका तरीका है बचाने का, वो सारा सिस्टम फायर ब्रिगेड ने अपने सिस्टम से करा, बड़ा ठीक तरीके से करा, हम कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे। तो भाई अब छोटे छोटे बालक हैं इनका, दो ढाई तीन साल के दो बालक हैं, एक तीन एक साल का है, एक मेरे ख्याल से डेढ़ एक साल के दो बालक हैं। हम अपने घर के अंदर बैठे हैं आराम से, एसी तलाए, पंखे तलाए, कूलर तलाए, लेकिन इन भाइयों का सारा सिस्टम खत्म हो गया। मकान नहीं रहा, पड़ोस में कितने दिन रहूंगे, सरकार से मैं उम्मीद करूं कि भाई इनका खर्चा पानी दो, वो भाई एक लंबा प्रोसेस हो उसका है, कद सरकार देवे कद नहीं देवे, क्यों कर देवे क्यों करने देवे मैंने पता नहीं यार, लेकिन इंसानियत का भी कुछ फर्ज है। एक मिनट भाई साहब से बात कर लो, भाई साहब एक बार आइयो। राम राम भाई। सच्चाई तो यदि इनके जो चप्पल जूते अड़े रखे थे वे भी जड़े पड़े हैं, सब कुछ ऊपर एक कमरा सा है छोटा सा, उसमें इनका बेड बुड था, इनके जो अलमारी फ्रिज रसोई रसाई सारी थी, जो थोड़ी बहुत टूम ठेकरी थी वे भी थे, जो कागज थे इस मकान के थे, सब कुछ जल गए भाई। अब वो जल गए के जलाए गए फिर वही बात है, क्योंकि ये तो थे नहीं यहाँ पे। अब उस विषय पे भी मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो काम प्रशासनिक है या इनका अपने लेवल पर है, किस हिसाब से उसने देखेंगे। लेकिन अभी जो इतनी गर्मी है, 47-48 डिग्री का जो तापमान है, उसको एक इंसानियत के नाते मैं यह वीडियो बनाऊं हूं भाई। सरकार के सपोर्ट करेगी मेरे को नहीं पता। ये भाई साहब क्यों कर मेरा लग गया, आपने जल गया मकान, ये तो मेरे साथ सर ने बताया, अभी फोन कराया है, हाँ फोन कराया है 1:20 पर, 1:15 से के इंदौरा फोन आया। और दिल्ली थे आप तो? हाँ दिल्ली थे। तो जी यो बड़ा दिल को दहलाने वाला सीन है, क्योंकि जब बड़ा आदमी तो खेले इस गर्मी ने, छोटे छोटे बालक की तरह होंगे, कौन पड़ोसी इतने दिन उठेगा। बाकी सपोर्ट कर रहे हैं पड़ोसी, देखो सारा पड़ोस बरने बैठा है, इनके खातर बैठा है, बहुत हेल्प करी है इन्होंने, जितनी मदद हो सके थी। फायर ब्रिगेड वाला गया इन्होंने, बड़ी हिम्मत दिखाई, सिलेंडर घर में तो काटे हैं, बड़ा मेहनत का काम, बड़ा हिम्मत का काम भाई, अपनी जान जोखिम पर डाल के इन्होंने करा। लेकिन आदमी कब तक पड़ोसियों पे डिपेंड रहूँगा भाई। इंसानियत के नाते जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है भाई, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें इनको। अब सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं मैंने बेरा नहीं। मेरे ख्याल से अगर हम सारे मिलकर, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं भी हूँ या जो भी मेरे जानकार हैं, 50,000 का भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, होप सो 50,000 का, तो शायद देखो अभी मकान छत फट के नीचे पड़ ली, कड़िया का मकान था भाई, छत पाटली और नीचे गिर ली, नीचे सारा सौदा खत्म हो गया भाई इनका। और अगर मैं आपने ऊपर दिखा के चलूं ऊपर, वैसे तो बड़ा सेंसिटिव मकान हो रहा है, वो पड़ोसियों ने जो साइड वाले मकान थे उन्होंने घर खाली कर दिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले कह गए थे, उन्होंने कह भी अंदर नहीं जाना। अब
मैं फिर भी ऑन रिस्क, खुद के रिस्क पे भाई ये मकान मैं ऊपर चल के दिखा दूं, ये पैड़ी है और आपने अगर मैं अंदर चल के दिखाऊं, सारा देखो सारी दीवार ये काली होली, यहाँ की जो छत थी वह भी खत्म होली, यो मकान भाई कड़िया का था सब जल लिया। या अंदर रसोई है जो आप देखने लग रहे हो, फ्रिज था जमा जल के तारकोल बर का काला हो लिया भाई है। अब इस बात ने आप किस तरह से देखोगे, किस तरह से सपोर्ट कर सको हो है, सारी बात तो मैं तो इतना बड़ा हूं नहीं कि सरकार तक कहूं जी इसका मकान बनवाओ। सरकार करेगी अपने लेवल पे, करेगी कि ना करेगी, कद करेगी, क्योंकि मैंने तो ये मकान दिखा सरकार ने, हरियाणा के सारे मकान दिखे हैं, क्यों कर सपोर्ट करेगी भाई मेरा नहीं। मैं तो जितना 5,000 की सपोर्ट कर सकूँ, मैं तो 5,000 इनसे दे सकूँ हम, अभी दे जाऊंगा। आप क्यों कर सपोर्ट करोगे भाई बता दियो, अगर मेरे पेटीएम पे डालो तो वो देख लियो भाई, यो ही नंबर है 90345 55 441 9034555441। इस नंबर पे अगर आप पेटीएम करो, पेटीएम करके भाई कॉल कर दियो मेरे द्वारा, अंदाजा सा 50,000 मैं इनको दे जाऊंगा। इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप इनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करो तो पर्सनली कर लेना, लेकिन 50,000 का भाई मेरा टारगेट है, 5,000 मैं इनसे दे जाऊंगा। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद भाई।